आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं हम रुड़की के लाल कुर्ती में, और यहाँ पर जो आर्मी के अंदर आपको पता है कार्यक्रम चल रहा है दशहरा मिलन का, भूतपूर्व सैनिक जो गढ़वाल राइफल का स्थापना दिवस 135वां स्थापना दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है हर्ष वर्ष की भांति। इस वर्ष भी यहाँ से बाहर से जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं गढ़वाल राइफल में, जिन सैनिकों ने अपनी सेवाएं दी है वो यहाँ पर आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलन करते हैं भाई। रंगारंग कार्यक्रम किया गया, गढ़वाली गीत गाए गए। हम बात करेंगे जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी और जो यहाँ पर अतिथि हैं उनसे भी। सबसे पहले बात करेंगे हम सर से। सर क्या नाम है आपका? ऑनरी कैप्टन जीवानंद बड़ा कोटी। क्या कहना चाहेंगे बूढ़ी कोटी साहब, जिस तरह से आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोविड-19 हम 2010 से इस फंक्शन को मना रहे हैं, इसमें गेट टुगेदर यानी वर्षगांठ के साथ साथ ही हम दशहरा मिलन भी हमारा होता है। कोविड-19 की वजह से 2 साल ये बीच में ब्रेक रहा और फिर अभी ये शुरू हो गया है, और आप देख ही रहे हो कि कितनी संख्या में बढ़ चढ़ कर लोग भाग आए हैं, हमारे पूर्व सैनिक आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि सन 1962 की लड़ाई से लेकर के और ये लास्ट जो कारगिल युद्ध हुआ है उस तक हमारे वीर सेनानी और गौरव सेनानी हाजिर थे। बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया और एक साथ मिलकर के उन्होंने जो अपनी एक वो था दिल के अंदर एक जोश था वो दिया, और उम्मीद है कि अगले वर्ष भी इससे बढ़ चढ़ करके हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये हमारी आन बान और शान का सवाल है। गढ़वाली हमेशा अग्रसर रहा है और हमेशा अग्रसर ही रहेगा। हमारे साथ रावत सर भी हैं, सनराइज पब्लिक स्कूल के सीनियर प्रधानाचार्य हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रमों से उन सैनिकों के लिए जिन लोगों का आपने सम्मान भी करा और उन लोगों के लिए जो कार्यक्रम में उपस्थित थे? धन्यवाद दीपक जी और सक्सेना साहब, मैं दैनिक रुड़की का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और देखो उत्तराखंड में जो गढ़वाली सैनिक है, वीर सैनिक है, उनका इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है। सबसे पहले 2 बिगटियाँ गौरव से भी यहाँ ही मिले हैं, गब्बर सिंह और दरबान सिंह, जो है हमारे पहले आज़ादी से पुराने पहले जो है वो सेनानी रहे हैं, और आज भी हमारे वीर जवानों को बहुत सारे शौर्य चक्र और बहुत सारे जो जितने भी मेडल होते हैं सेना के वो भी प्राप्त हुए हैं। और हमेशा गढ़वाल राइफल हमेशा अग्रणी रही है, जय बद्री विशाल के नारे के साथ उन्होंने देश की सेवा की है। और मेरा जो ये संगठन जो काम करता है भूतपूर्व गढ़वाल राइफल सैनिक संगठन, ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि रिटायरमेंट के पश्चात जो है इनमें एक रूपता लाने का प्रयास करता है। बाहर से भी कुछ सैनिक यहाँ पर आए हैं क्या? बहुत देहरादून से हमारे पास आए हैं, लाल डांग से आए हैं, हमारे कमांडेंट साहब ने आना था लेकिन वो IIT और नीट के लिए वो एक पैक्ट हो रहा है इंडियन ऑयल के साथ, उसमें वो कॉन्फ्रेंस में है और उसमें बच्चों को गढ़वाल राइफल के बच्चों को जो है उसमें फ्री शिक्षा एजुकेशन दी जाए नीट के लिए और IIT के लिए, तो उसका कोलोबरेशन के लिए उन्होंने वहाँ साइन करना है, वो नहीं आ पाए लेकिन यहाँ बड़ा जोश रहा है। 2 साल बाद कोरोना काल के पश्चात जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया, और मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। धन्यवाद। हमारे साथ जो बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे आ रखे हैं, क्या कहना चाहोगे गुड़िया, किस किस तरह के आपने यहाँ पर नृत्य कराया और क्या आपने संदेश दिया अपने नृत्य के बाद? हमने यहाँ गढ़वाली नृत्य किया है और हम अपने उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा पुराना कल्चर चल रहा है वो ख़त्म ना हो और ये बढ़ता रहे, चलता रहे आगे भी, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा ज्ञान मिले सबको ये, और सब ऐसे प्रोग्राम करते हैं। आए सभी अतिथियों ने और सभी आयोजकों ने कहा कि जो अपनी परंपरा है गढ़वाल राइफल की परंपरा है जो सदियों चली आ रही है उसको जीवित रखने के लिए समय समय पर हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।